दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी स्कॉलरशिप के प्री मैट्रिक के लिए फॉर्म फिल करने की डेट दी गई थी 1 अगस्त से, वो पोर्ट किस दिन से ओपन होगा 101% कन्फर्म जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कन्फर्म डेट आपको मिलेगी। और इसके पहले वीडियो में भी मैंने जो बताया था वही जानकारी हमारी साबित होती हुई। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कॉलरशिप और जीके से संबंधित वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक टाइम टेबल 2023-24 रिवाइज्ड PDF, यानी कि रिवाइज्ड टाइम टेबल आ चुका है, उसको मैंने डाउनलोड किया है। अभी आप वेबसाइट से जाके जैसे आप फॉर्म फिल कर दें तुरंत हार्ड कॉपी और जो भी आय जाति निवास और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा कर देनी है तुरंत। इसके बाद जो कॉलेज है, कॉलेज 20 नवंबर तक आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर देगा DWO को, यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को, ठीक है। उसके बाद फिर जो रिन्यूअल वाले छात्र हैं, अगर उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया तो उसका भौतिक सत्यापन 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक होगा। उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो 14 दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। NIC द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा आपका PFMS सॉफ्टवेयर से बैंक ये सारी चीज़ों का 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके बैंक खाते में आधार सीड नहीं है तो उसको अवश्य सीड करवा लें, यानी आधार को लिंक जरूर करवा लें अपने बैंक खाते से। बाद में आप बहुत दिक्कत होती है छात्रों को, हर साल ये समस्या होती है, इसलिए आपको पहले से बता दे रहे हैं। वही खाता आप फॉर्म में फिल करिए जिसमें आपका आधार फीड हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका सस्पेक्ट होगा, यानी जिन छात्रों को फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उनको सही करने के लिए 15 से 26 दिसंबर 11 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर से उनको प्रिंट जो है अपना जमा करना होगा कॉलेज में, और फिर संस्था कॉलेज आपका फिर से पुनः जो है उसको फॉरवर्ड करेगी 3 जनवरी तक, और NIC द्वारा फिर से दोबारा स्क्रूटनी होगी 9 जनवरी तक।
ठीक है। इसके बाद जो जनपद की छात्रवृत्ति समिति होती है, स्वीकृत समिति, वो आपके डाटा को लॉक करेगी, तो वो 15 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2024 तक लॉक करेगी। इसके बाद जो भी आपका बजट बनेगा, जितने छात्र हैं आपके ज़िले में स्कॉलरशिप के, उनको कितना फंड चाहिए, ये जो मांग सृजन हो गई, ये 8 फरवरी 2024 तक हो जाएगा। और धनराशि का अंतरण, यानी कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 19 फरवरी 2024 तक, 19 फरवरी तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों को 60% केंद्रांश भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना 28 फरवरी 2024 तक। तो अनुसूचित जाति के यानी SC के छात्रों की पूरी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी 19 फरवरी तक, उनकी केवल 40% आएगी। 60% स्कॉलरशिप उनकी 28 फरवरी तक आएगी, क्योंकि 60% स्कॉलरशिप केंद्र सरकार को देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।